आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भारत के विकास में कई महान नेताओं का योगदान रहा है और जब से नरेंद्र मोदी भारत में प्रधानमंत्री बने तब से भारत का युवा वर्ग राजनीति में और अधिक रुचि लेने लगा है। लेकिन आज हम आपको जिस राजनेता के बारे में बताने जा रहे हैं, वह एक भारतीय महिला राजनीतिज्ञ और भारत की विदेश मंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, सुषमा स्वराज जी वे नाम है जिन्हें भारत की पहली विदेश मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ है। सुषमा जी को 2009 में भाजपा की तरफ से संसद में विपक्ष नेता के रूप में चुना गया था। इसके बाद 2014 में वे विदिशा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुनी गई और देश की पहली महिला विदेश मंत्री बनी। इतना ही नहीं, हमको उनकी बेटी के बारे में भी बताने जा रहे हैं। दरअसल सुषमा स्वराज की एक बेटी है जिसका नाम बांसुरी स्वराज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बांसुरी स्वराज भी राजनीति के क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की है। फिर उसके बाद से वे अब दिल्ली हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉयर के रूप में कार्यरत हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि कुछ वर्ष पहले जब ललित मोदी जेल से फरार हुए थे तब बांसुरी स्वराज से उन्हें भगाने में मदद की थी।